राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम का नाम जीवन के हर पहलू में काम आता है। जब जीवन का अंत हो और जीवन की शुरुआत हो, राम नाम के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन राम के नाम पर जो राजनीति मची है पश्चिम बंगाल में, वो कहीं ना कहीं से लोगों को आहत कर रही है। और आहत इसलिए भी क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम नाम पर आपत्ति जताई है। बीजेपी राम नाम का सियासी कार्ड खेल रही है और ममता बनर्जी राम नाम से निश्चित तौर पर दूरी बना रही है। इन सबके बीच वाराणसी की एक महिला ने ममता बनर्जी को एक विशेष तरह का पोस्टकार्ड भेजने की तैयारी की है। यह चित्र उन्होंने लॉकडाउन में प्रेरणा लेने के बाद तैयार किया है, जो 51,000 राम नाम से ही तैयार किया गया है। इसमें राम का पूरा दरबार आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किए गए इस चित्र को इस महिला के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक सिर्फ इसलिए पहुंचाया जा रहा है ताकि वह राम नाम से दूरी ना बनाए, बल्कि राम की भक्ति में लीन होकर राजनीति के अखाड़े में बीजेपी को मात देने की कोशिश करें। ये प्रेरणा तो मुझे लॉकडाउन में मिली, खाली बैठे थे तो एक जगह तस्वीर देखी तो उसे कि राम नाम से बनाया जाए, कुछ नया किया जाए, तो मैंने बनाना शुरू किया तो बनने लगा अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री के मतलब कि सार्वजनिक मंच में उनको मैंने जय श्री राम के उद्घोष करते हुए देखा कि वो मंच छोड़ के चली जाती हैं। ये देख के मुझे बड़ा ही दुख हुआ, तो मैंने सोचा आज ये महिला दिवस है तो उनको गिफ्ट के रूप में एक ये तस्वीर भेजा जाए कि भगवान श्री राम आस्था का विषय है, ना कि एक राजनीति का विषय है, जो कि आप सार्वजनिक जहां पे इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। मुझे इस तस्वीर को बनाने में 1.5 महीना लगा है और ये जो लेटर है इसके संग ये लेटर भी अटैच किया, इनको शुभकामनाएं दी है महिला दिवस की और एक चित्र के माध्यम से कि भगवान श्री राम इनको सद्बुद्धि दें और आगामी चुनाव में के लिए भी शुभकामना मेरी ओर से है। और कैसे भेज रही है? इसको मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजूंगी। शालिनी जी का यह प्रयास ममता बनर्जी की राजनीति में कितना काम आता है यह तो बात की बात है, लेकिन उनकी तरफ से राम के नाम को को राजनीति का जो शिकार बनाया जा रहा है उससे गुरहेज करते हुए ममता बनर्जी को एक संदेश भी देने की इस चित्र के माध्यम से कोशिश की गई है। वाराणसी से गोपाल में ईटीवी भारत।